इस आदमी ने कहा कि मैं इतना छोटा सपना लेकर के नहीं चलता हूं कि मैं किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए आए हुए हैं। सैद्धांतिक बात तो यह है कि पूर्ण शराबबंदी है। सैद्धांतिक बात तो यह है कि हमने प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल और ये प्लस टू स्कूल की स्थापना, या तो आरजेडी की तरफ जाइए या जेडीयू अलायंस की तरफ जाइए, यही माना अल्टरनेटिव। लेकिन यदि इनकी सरकार बनती है तो जैसा कुछ इनका स्पीच है, विचार के मुताबिक हमको लगता है इस बार जाति पाति जो है वह खंडित हो जाएगा। क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? इन दिनों बिहार में प्रशांत किशोर काफी सुर्खियों में है। बिहार की राजनीति गलियारों में लोग प्रशांत किशोर को देखना और सुनना काफी पसंद कर रहे हैं। पिछले कई महीने से बिहार में देखा जा रहा है कि अलग अलग जिले में, अलग अलग पंचायत में, गांव में लोग प्रशांत किशोर से अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं। हालांकि 2 अक्टूबर को जब पार्टी के स्थापना दिवस पटना में मनाया जा रहा था तो उस समय पटना में लाखों लोगों की भीड़ भी पटना में देखा गया। तो जिस तरह से प्रशांत किशोर का कद इतना बढ़ रहा है तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर जी का क्या कुछ बिहार में दबदबा रहेगा? क्या जन समर्थन की जो मांग वो कर रहे हैं आप लोगों से बिहार और बिहारियों को लेकर के, उसमें क्या कुछ प्रभाव 25 के चुनाव में प्रशांत किशोर जी डाल पाएंगे, उन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं प्रोफेसर है हरिराम प्रसाद मंडल जी हैं, जो काफ़ी अनुभवी हैं और जितनी इनकी उम्र है, जो अनुभव है, जो तजुर्बा है, ये क्या कुछ बता रहा है प्रशांत किशोर के लेकर, क्योंकि ये हाल ही में जन स्वराज पार्टी में भी शामिल हुए हैं। उनकी सदस्यता को ग्रहण करने के बाद प्रशांत किशोर के साथ कई कार्यक्रम में ये शामिल हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तुम्हारे अनोखा एक्सपीरियंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप? पूर्व में प्रोफेसर रहे हैं, 60 से 65 वर्ष आपकी उम्र है, कई सरकार के कार्यकाल को आपने देखा है, लेकिन इस उम्र में आप राजनीति में आए हैं, जन स्वराज के दामन को थामे हैं, प्रशांत किशोर में क्या कुछ आपको अच्छा लगा सर? असल में उनके विचार से मैं इतना प्रभावित हुआ, उनके स्पीच को सुन करके हमको ऐसा लगा ये साधारण आदमी नहीं, ये असाधारण आदमी, ये मानव नहीं है, ये महामानव है। ये इतने बड़े आदमी हैं जो केंद्र में चाहेंगे मंत्री बनना तो बन सकते हैं, स्टेट में चाहेंगे मंत्री बनना तो वो बन सकते हैं, लेकिन मैंने इनका स्पीच सुना, इस आदमी ने कहा कि मैं इतना छोटा सपना लेकर के नहीं चलता हूं कि मैं किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, या छोटा सपना लेकर के मैं नहीं चलता। जिसका उत्तर अभी तक हमको नहीं मिला है, आखिर तुम इस सपना कौन सा है? तो ये जो है, तो उनके लिए वो एक तरह से वो प्रोफेट के रूप में बिहार में आए हैं, अवतरित हुए हैं, एक पैगंबर के रूप में, एक मसीहा के रूप में, और बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए ये आए हुए हैं। इन्हीं विचारों से मैं प्रभावित हो करके और प्रशांत किशोर जी के साथ आया हूँ, और लगता है ऐसा। हाँ, बिहार की जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह रहे हैं। अब तक बिहार में कुल नीतीश कुमार को लगा के 23 मुख्यमंत्री मिले हैं। उनमें से कितने मुख्यमंत्री के कार्य को आपने देखा है, समझा है, जो बिहार की कारवाओं को आगे बढ़ाया है, या जिनसे आप स्वयं प्रभावित हुए हैं? देखिए भाई, नाम तो ऐसे सबका है, सब लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बनते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। नीतीश जी हैं, नीतीश जी के बारे में इतनी बड़ी ख्याति है कि इस आदमी ने रोड बनवा दिया, इस आदमी ने घर घर बिजली लगवा दिया, इस आदमी ने जो है सो बिहार में पूर्ण शराबबंदी कर दिया। लेकिन वो पूर्ण शराबबंदी तो दूर की बात है, अब जो है ये शराब होम डिलीवरी होने लगा है। ये शिक्षा के बारे में कि साइकिल दे दी, तो पोशाक दे दी, तो ये मिड डे मील दे दी, सारी बातें हैं। लेकिन
एक भी सरकारी इम्प्लाई सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इससे बेसी मैं और क्या कहूँ। और वो आदमी अभी ये 20वां साल जो है पूरा करने जा रहे हैं, इतना बड़ा टर्म जो है आज तक किसी मुख्यमंत्री ने जो है वो बिहार में नहीं निभाया। तो ये देखिए भाई, कागजी बात अलग होती है लेकिन व्यवहारिक बात, सैद्धांतिक और व्यवहारिक में अंतर है। सैद्धांतिक बात तो यह है कि पूर्ण शराबबंदी है, सैद्धांतिक बात तो यह है कि हमने प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल और ये प्लस टू स्कूल की स्थापना कर दी, लेकिन व्यवहारिक बात जो है वो क्या कहिएगा, वो नेपथ्य में है, सिर्फ नाम में है, नाम में कि हमने यह किया, लेकिन जहां तक व्यवहारिक बात, व्यवहारिक माने आधार पर आइएगा तो वो जो है, तो ये सब बातें जो है पिछले 33 वर्षों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लालू और नीतीश का सरकार निरंतर चले आ रही है। नीतीश कुमार भी 19 वर्ष से बिहार के कमान को संभाले हुए हैं, इसके कार्यकाल में बिहार में बहुत कुछ विकास एक हद तक हो पाया है, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, बेटियों की बात करें, शिक्षा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो क्या ये कुछ पर्याप्त नहीं था बिहार के लिए? प्रशांत किशोर जी हर संबोधन में कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार और बिहारियों के लिए, पलायन किस तरह से रुके और बेरोजगारी किस तरह से मिटे उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए तो उसको सत्ता में आना होगा, तो लोगों का जो कारवा इनके साथ जुड़ रहा है इसका फायदा पड़ने वाला है आने वाले समय में? सर ऐसा तो लगता है के मुताबिक हमको लगता है इस बार जाति पाति जो है वह खंडित हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण के सहारे बताना चाहता हूं, सोवियत संघ का सम्राट बना स्टालिन, उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं में सोवियत संघ को विश्व के मानचित्र पर एक महाशक्ति के रूप में 3 पंचवर्षीय में योजना में जो उस आदमी ने उसको महाशक्ति बना दिया, विश्व का महाशक्ति बन गया सोवियत संघ सिर्फ 15 वर्षों में। यहां 35 वर्षों के शासन में, 35 वर्षों का समय कम नहीं होता, 35 वर्षों में तो लोग क्या से क्या कर दे सकते थे, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ राज भोग किया है, जनता बिल्कुल नाराज चल रही है सबसे, और हमको लगता है कि आने वाले समय में जो है इसको एक पैगंबर के रूप में ये प्रशांत जी सामने आए हैं, और लोग सब धीरे धीरे धीरे, अभी तो इनका जन्म हुआ लेकिन लगता है आने वाला समय जो है तो वो इनके साथ इतनी बड़ी इस बार जो है बिहार की जनता जो है जुड़ेगी, जो हमको लगता है कि उम्मीद से बेसी होगा। तो चलिए हम अब आपके बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। जहाँ तक लोगों में इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रोफेसर साहब हैराम प्रसाद मंडल जी, इस बात सुपौल के 2 विधानसभा साहब का नाम लिया जा रहा है, एक पिपरा है दूसरा निर्मली है, यहाँ से आप कैंडिडेट के रूप में सामने आ सकते हैं जनसुराज से। जनसुराज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़े। आपने आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में अपना समय व्यतीत कर दिया, अब जो आप सामाजिक काम में लगे हैं, एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं, तो लोगों के अंदर में ऐसा कयास है कि आप चुनाव लड़े, ताकि आप जैसे लोग अगर यहाँ से किसी एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित रूप से उस विधानसभा के अंदर में जो भी समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उसको दूर करने में आप जैसे लोग कामयाब होंगे। तो ऐसा लोगों का सवाल है, क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? देखिए जीवन में हमने जो स्ट्रगल किया है, हम आज तक किसी जवाबदेही से मुंह नहीं मोड़ा है। जब भी हमारे सामने जो भी जवाबदेही आई है उसको मैंने बखूबी जो है उसका निर्माण किया। यदि मान लिए जनमानस में इस तरह की बात है कि प्रोफेसर हरिराम मंडल जी जो है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं या प्रत्याशी, तो हमको लगता है उस जनमानस में सिर्फ एक मेरी छवि जो है वही उनको उद्वेलित कर रहा है, हमारा जो व्यक्तित्व है वही उसको उद्वेलित कर रहा होगा कि इससे इससे अच्छा तो कोई कैंडिडेट होगा ही नहीं। आज तक जीवन में मैंने किसी के यहाँ एक कप चाय तक नहीं पी है, आज तक जीवन में मैंने किसी का एगो तिनका तक नहीं खंडित किया जीवन में मैंने। हाँ, हमेशा चाहा है कि
जब तक जिंदगी है अच्छा करो, और अच्छा करके जो मर जाओगे कुछ साथ नहीं जाएगा, इसलिए ऐसा करके मरो कि कम से कम मरने के बाद भी लोग जो है दो बूंद आंसू टपकाए। तो यदि लोग, या मान लीजिए जन स्वराज पार्टी ही वो हमको यदि प्रत्याशी बनाना चाहती है, तो यह समझेंगे कि हमारा सौभाग्य है। और किस तरह की समस्या आपके नजर में है? देखिए भाई, प्लेटो और अरस्तू ने कहा है प्रजातंत्र मूर्खों का शासन। यदि मान लिए पिपरा विधानसभा हो कि कोई भी विधानसभा हो, और जनता मेरे जैसे प्रतिनिधि को का सिलेक्शन करती है, यदि चयन करती है, तो इस मुंह को कम से कम असेंबली और पार्लियामेंट में कोई रोक सकता नहीं है, और वहां आवाज उठेगी, चाहे वह शिक्षा की समस्या हो, चाहे वह शराब की समस्या हो, चाहे क्षेत्रीय समस्या हो, चाहे बाढ़ की समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचार की समस्या हो, मैं यदि उस असेंबली में हमारा कदम जाता है तो हम जोरदार शब्दों में हम जो है इन समस्याओं को रखेंगे। नीतीश और लालू, इन दोनों को रोक पाना कितना मुश्किल होगा बिहार में प्रशांत जी के लिए? तो इन दोनों की नीतियों से जनता, बिहार की जनता जो है बहुत माने काफी उब चुकी, कितनी उब चुकी है इससे आप खुद भी अंदाजा लगाया जा सकते। फर्स्ट मीटिंग में जब किशनपुर में मैं प्रशांत जी की मीटिंग में गया, ऐसे तो मैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके, इनके वॉलेंटियर्स को देख करके मैं तो अचंभित रह गया। या क्या प्रशांत किशोर जी कहते हैं ना हमें मुख्यमंत्री बनना है ना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, तो उन्हें बनना क्या है सर? किस तरह की सोच है प्रशांत जी में? देखिए भाई, इसका उत्तर तो हमको भी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन संभव है कि वो महावीर, बुद्ध, गांधी, अंबेडकर, जेपी, संभव है कि ये उन लोगों की जीवनी से प्रेरित हो करके, और हमको लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ये अपना नाम स्थापित करने के लिए जो है वो इस तरह की बात किया करते हैं। और यदि इसमें पहला प्रयोग जो है हमको लगता है वो बिहार से शुरू किए हैं, और यदि सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से दूसरा गांधी और दूसरा जेपी के रूप में बिहार में सामने आएंगे। हम दुनिया में क्या नहीं, सब कुछ है, लेकिन वह सब कुछ कहाँ है? तो वो आपके मन और मस्तिष्क में आप खोजिए। पहले तीन ही पार्टियां हैं विकल्प के रूप में, अब ये आ गई हैं, वैसी स्थिति में तीनों में आप कंपैरिजन करिए, तीनों में ये क्या तुलना करिए, और तब देखिए यदि किसी भी एंगल से वो दोनों से यह अच्छा है तो आप निश्चित रूप से इसके समर्थन में आ जाइए। हम तो इतनी ही बात आपको, चलिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रोफेसर हरेराम प्रसाद मंडल जी, जिनसे हमने बातचीत किया। आपने सुना क्या कुछ जनस्वराज और प्रशांत किशोर जी को लेकर कहा, इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, क्या लगता है कि बिहार की जो आम जनता है वो तीसरे विकल्प की तलाश में थी और उन्हें तीसरे विकल्प के रूप में जनस्वराज मिला है, आखिर प्रशांत किशोर जी का क्या कुछ आगे चल के बिहार भर में प्रदर्शन रहेगा, चुनावी माहौल को कितना प्रभावित कर पाएंगे 25 में, उन तमाम बेसों पर हमने बातचीत किया, प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया। बहरहाल इनके बातों से आप लोग कितना समय था और क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रेरणा जरूर दें, और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।